वो कहीं ना कहीं वहां से भी नहीं रन नहीं नहीं देती है नहीं मेरे नहीं हिसाब पहला से, ओ तो ये तुझे गया, बता सकते हैं डेस्ट्रो की तरफ यहाँ पर मावी और रेगल्टो सारे स्पॉट किया जा चुके हैं, ऊपर ओए शॉट्स नहीं रहे गयो, थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई, अब बैक एंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एक ओए और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट किए जा हैंड चुके यहाँ हैं। पे अगर आप वेल देखो जिस तरह से इन लोग मूव ओ कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ वो को एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए, दो प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा, पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं वैक्सी और आदित्य, वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे बट नो वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं, फिनिश ऊपर होगा। जाके रिवाइव का प्रोसेस नाइस ऑलरेडी कवर था स्टार्ट यार हो आदित्य चुका है, की तरफ डेस्ट्रो से, को अभी तक कवर फिनिश अच्छा नहीं था। किया गया जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे यहाँ पे पुश हो इश चुका है एक वैक्सी नेट को फेंको पुश आते बम हुए, ऊपर, इट्स अ गैस टू के ने वी टू सिचुएशन पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ, व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, you know what happens because Scout भी हल्का सा back end पर हैं और यहाँ पर Vexy बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं। He just needs to move forward to take up all these fights और वो धीरे-धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, but उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक भाई को खो नेट पे दिया है। कोई So now he just have to, you know, move up forward. Clash Universe एक दूसरे angle को hold कर रहे हैं और side पर वहीं पर fight शुरू हो चुकी है जहाँ पर हल्के-फुल्के shots लिए जरूर गए थे और जो सोल का स्क्वाड है जो मॉर्टल का स्क्वाड है वो जस्ट एक अपर एरिया एक अपर एज अपने भाई होल्ड कर पूरी चुका है और टीम एक उन्होंने छत ही पे यहाँ पे है। जो पिक निकाला है दैट ओ काइंड भाई एक ऑफ नेड थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा, स्मोक्स डाले जा रहे हैं और मावी बैंडेजेस लगाते नजर आ रहे हैं अभी के लिए जो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। वैक्सी एक डिसेंट एंगल अभी बोल कर, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहाँ से थोड़ी देर के लिए बैकअप ओ करना पड़ सकता है। पाक वैक्सी के सामने प्लेयर्स कूद कूदते गए। नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ, आदित्य वहां पर आ चुके हैं, वैक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड कर, टीम ओ डाउन कर चुके हैं इसी साइड पर, फिर से किसी को जाना चाहेंगे बट ट्रेड ओए आउट आदित्य ओए ओपी गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन, ही वुड वांट टू फिनिश द प्लेयर्स फर्स्ट एंड यस वो फिनिश करते नजर आएंगे और अब यहां पर रिवाइव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहां पर अपना तीसरा किल निकाल सकती है लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं। आपने यहाँ पर एम बहुत ही सिक्सटीन शानदार से भाई स्काउट की तरफ से एम परफॉर्मेंस देखने को सिक्सटीन मिला, से क्लोज रेंज ऑलरेडी लिया। इन लोग टीम प्लेयर्स को डेसिमेट कर चुके हैं पर यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स, आई थिंक यू नो मुझे एक चीज पे डाउट हुआ, क्लैश यूनिवर्स और आई थिंक वैक्सी इन लोग बहुत जल्दी रोटेट करके तो साउदर्न पार्ट ऑफ वाटर सिटी की तरफ चले गए थे जब डेस्ट्रो पे हार्ड लग वार हार्ड लग कंफ्यूज था, मे बी इट वाज अ स्ट्रेटजी भाई, अगर क्लैश यूनिवर्स एक को खा गया ना और मजा आ जाएगा। उस टाइम का फायदा हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये स्लो स्टार्ट एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। क्या लगता है एक को मार के कर पाए खा पाएगा कि नहीं? यहाँ पर क्लैश यूनिवर्स अकेले बचे हैं, सो एक को मार के बोल सकते हैं कि नॉक करके फिनिश। पता है टीम मॉर्टल को पता है कि जो आखिरी प्लेयर जो इन्होंने, यस एंड बात करते हैं नए गेम बीजीएमआई के साथ नए लाइनअप्स के, तो मुझे ओए रौनक की मॉर्टल ओए 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 भाई ये गया, यस गेट्स कंप्लीट गया, गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ, यहां पे बचने की कोशिश बट दिस इज गोना पाउंस ऑन हिम, बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही पेज द प्राइस इमीडिएटली एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया, थोड़ा मैं कैलेसनेस बोलूंगा एंड यहां पे मॉर्टल भी आते हैं बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहां पे मवी भी आते हुए बट द एंटायर टीम पुशिंग इन एंड मोटी मॉर्टल इज खा गया भाई, खा गया काली जवान कमला बॉय एंड सोमराज। ओशन आपका क्या व्यूज है टीम रौनक के ऊपर? दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए टीम को, अगर मैं बोलूँ टीम रौनक की काफी प्रॉमिसिंग लाइनअप हमें देखने को मिल रहा है, सोमराज की बात करें कमला की बात करें पराग की बात करें, खराब लगा मॉर्टल के लिए और रौनक ऑफिस में पता है कि यू नो किस तरीके से ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस लाइनअप के साथ, काफी बेहतरीन तरीके से सिनर्जिस्टिक गेम प्रेडिक्शन बोलते हैं मैन है इनके आसपास, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाली लेकिन बात